राजमा के लिए मैंने ये चढ़ा दिया, उसमें 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया। अब चाहे तो आप तेल में भी बना सकते हैं। मेरा ये गरम हो गया, अब मैं प्याज पीस के रखा हूँ, ये देखिए उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने खड़ा मसाला इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं राजमा में भी डाल के उबाली और राजमा मसाला डालूँगी, इसलिए मैं खड़ा मसाला नहीं डाला। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल लाल हो गया मेरा प्याज अदरक लहसुन। अब मैं 1.5 टमाटर जो पीस के रखा हूँ उसको मैं डाल रही हूँ। थोड़ा झाड़ लीजिएगा। अब इसमें मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़्यादा, 1 चम्मच धनिया और थोड़ा सा अमचूर गरम मसाला, क्योंकि मैं राजमा मसाला डालूंगी ना, इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला। फ्रेंड, अब ये थोड़ा सा तेल छोड़ देगी, फिर इसमें राजमा डालूंगी। तो मैं 5 मिनट ढक देती हूँ। राजमा मैंने उबाल के रखी है, तो डालूंगी, इसलिए ये मिनट भूनती है। बहुत अच्छा उबला हुआ है। आइए 1 चम्मच राजमा मसाला, एक मिनट भूनने से क्या होता है, इसके अंदर सारे मसाले चले जाते हैं। अब मैं राजमा का जो पानी था उसको डाल दिया। इसको मैं 3 मिनट हाई आंच में उबाल दूंगी। बहुत अच्छा आ गया है, देखिए कलर भी कितना सुंदर आया। ना बिल्कुल पक के कलर भी सुंदर आ गया। अब मैं इसको सुंदर से बोल में खाली कर लूँ। देखिए अच्छे से खाली कर लिया, कलर कितना अच्छा आया राजमा का। अब इसमें मैं देखो फ्रेंड, इसको अब गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए। इसमें थोड़ा आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डालते हैं। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, सुंदर दिखेगा।